अच्छा, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे, घर पे पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप यहाँ बोर्ड पर देख कर के समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप इस वीडियो से जो हमारा आज का टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है, जिस टॉपिक के ऊपर है वो है हाउ टू सी द टाइम इन द इन आवर वॉल क्लॉक। हम सब के घर में क्या होता है कि वॉल क्लॉक होती है जिस पर हम टाइम देखते हैं। अब हम जब छोटे होते हैं तो हमको वॉल क्लॉक के अंदर कैसे टाइम देखते हैं ये हमको नहीं मालूम होता है। तो हम आज इस वीडियो में वॉल क्लॉक के अंदर कैसे टाइम देखते हैं वो हम सीखेंगे। तो हम सब ने वॉल क्लॉक देखी होगी। तो वॉल क्लॉक के अंदर क्या होता है कि तीन सुइयां होती हैं, सबको मालूम है तीन सुइयां होती हैं। आप अपनी वॉल क्लॉक के अंदर देख भी सकते हैं। तो उसमें इस तरह की तीन सुइयां आपको दिखाई देंगी। तो तीन जो सुइयां होती हैं वो अलग अलग साइज में होती हैं, एक सबसे छोटी होती है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी होती है और एक सबसे बड़ी होती है। और इनकी स्पीड में भी ये जब चलती हैं तब भी इनमें एक क्या रहता है, अंतर रहता है। जो सेकंड वाली सुई होती है वो सबसे तेज चलती है। कैसे चलती है? सबसे तेज चलती है ये। और उसके बाद जो सुई होती है वो होती है मिनट की सुई, ये इससे सेकंड वाली सुई से थोड़ी सी तेज चलती है। और जो ये घंटे वाली सुई होती है, हावर्स वाली सुई होती है, ये उससे भी कम स्पीड में स्लो चलती धीरे धीरे है। चलती है। क्योंकि जब ये सेकंड वाली सुई अपना एक सलग शुरू करके और 60 मिनट तक जब एक राउंड पूरा करती है तो मिनट वाली सुई सिर्फ 1 मिनट यानी कि इस जगह से इस जगह तक रन करती है। और जब ये वाली जो मिनट वाली सुई है ये अपना एक राउंड एक से लगा करके और 60 तक यहां तक अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, तो ये घंटे वाली सुई है ये अपना सिर्फ यहां से जैसे 1 to 12 तक ये काउंटिंग दी गई है यानी कि ये हावर्स को दर्शाती है। तो ये अपना जो घंटे वाली सुई है ये एक स्थान अपना बदलती है 12 से 1 पर, 1 से 2 पर या फिर 6 से 7 पर। यानी कि अगर ये जो मिनट वाली सुई है ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो ये घंटे वाली सुई अपना एक स्थान 5 से 6, 6 से 7 पर जाती है। जैसा कि हमको मालूम है कि एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ये हमने सीखा होगा यूकेजी क्लास में। तो और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो वो भी 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम इन सुइयों के माध्यम से कितना समय हुआ है हमारी वॉल क्लॉक के अंदर ये चीज सीखेंगे। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो मिनट की सुई है वो है 10 पर और जो घंटे की सुई है वो 12 पर ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है और सेकंड की सुई है वो 13 गई हुई है। तो इसके हिसाब से अभी जो क्लॉक में टाइम होने वाला है वो 12:11:50 और 13 सेकेंड इस क्लॉक के माध्यम से हुए हैं। तो जैसे जैसे ये सुइयां अपना स्थान चेंज करती हैं तो वैसे वैसे ही टाइम चेंज होता रहता है और
जहां जहां पर भी ये सुइयां अंकित रहती हैं 11:50 और 13 सेकंड जो हमारा जो समय है वो किसी को भी बताना पड़ता है। अब हम सीखते हैं कि वर्क क्लॉक में देख करके हम किसी को टाइम कैसे बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो क्लॉक होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं और 1 सेकंड की, 1 मिनट की और 1 आवर्स की। अब मान लीजिए कि हमारी जो हावस वाली सुई है वो किसी एक अंक के ऊपर है। मान लीजिए वो सुई यहाँ 1 के ऊपर है, हावर्स वाली सुई, और हमारी जो मिनट वाली सुई है वो हमारी कहाँ है, मिनट वाली सुई आई हुई है 2 के ऊपर। तो हम हमारी जो घड़ी है उसके अंदर कितना समय हुआ होगा, 1:00 और मान लो ये 2 पर है तो 10 मिनट, 1:10 हम बताएंगे। अब एक दूसरा देखते हैं, मान लो हमारी जो बड़ी और छोटी दोनों ही क्लॉक वो किस पर आई हुई है, 12 पर आई हुई है या 1 पे आई है, 2 पे, किसी पे भी अगर ये दोनों सुइयां आवर्स और मिनट वाली सुई अगर किसी एक अंक पर आएगी तो 12 पर आएगी तो 12 बजे है, 1 पर आएगी तो 1 बजे है, 2 पर आएगी तो 2 बजे है, 3 पर आए तो 3 बजे है। तो ऐसा हम बताएंगे। जनरली हम क्या करते हैं, हम सेकंड नहीं बताते हैं किसी को भी, हम कि हावर्स और मिनट ही बताते हैं। कोई भी अगर हमसे समय पूछता है तो हम उसको यही कहते हैं कि 2:10 हुए हैं, 3:15 हुए हैं, तो ऐसा हम बताते हैं। अब हम मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर हमारी घड़ी में समय हुआ है, हम कोई कहें कि 3:15 पर घड़ी की सुइयां किस स्थान पर होंगी, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो छोटी सुई है जो वो 3 पर मिलेगी, थोड़ा सा 3 से आगे, और मिनट वाली सुई जो होगी वो 3 पर आई हुई मिलेगी। तो जो हावर्स वाली सुई वो 3 से थोड़ा सा आगे और जो मिनट की सुई है वो सही 3 के ऊपर आई हुई मिलेगी। अब हम अगर हमारी सुई ऐसे, अगर हमारी घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में है और हमारी मिनट वाली जो सुई है वो आई हुई है हमारी 6 के ऊपर, तो क्या समय बताएंगे हम, तो 4:00। अब यहां देखना है हमें, ये हमने हमें याद रखना होगा घड़ी के अंदर, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है 1 से 60 तक, ये बस आपको समझाने के लिए है कि 6 जब सुई आती है तो 30 मिनट होते हैं, तो 4:30 अभी घड़ी में कितना समय हुआ, 4:30। ऐसे ही हम पूरी क्लॉक के अंदर जहां पर भी ये आवर्स की सुई है और मिनट की सुई है, हम टाइम को देख करके किसी को भी अगर कोई हमसे टाइम पूछता है या हमको टाइम देखना है तो हम देख सकते हैं। हमको जो ध्यान रखने वाली बात है, कई बार बच्चों से गलती होती है, वो क्या करते हैं कि अगर सुई आप
चार तीन और चार, अभी चार और पांच के बीच में है। तो जो हमने हावर्स बताने हैं यानी कि कितने बजे हैं, हावर्स हुए हैं, तो हमने ये देखना है कि ये हावर्स वाली सुई किन दो अंकों के बीच में है। तो जो पहला अंक होगा अभी वही बताना है, जैसे ये चार और पांच के बीच में है तो हमने बताना है कि 4:30 हुए हैं। आशा करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।